अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक नया और बेहतरीन सी रेसिपी। हम डेजर्ट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है एक खरबूजा, एक आम ले लिया है और तीन चार मैंने पीस ले लिए हैं। ये केक आता है, जो कोई सा भी केक ले सकते हैं आप, ब्रिटानिया का केक आता है वो भी ले सकते हैं, या मैंने तीन चार पीस ले लिए हैं, जितने यूज़ होंगे उतने हम इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया है और आधी कटोरी मैंने शक्कर ले ली है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हमें इस खरबूजे का हम यूज़ करेंगे, इसके छिलके का भी यूज़ करेंगे। तो इसका हम एक पहले ढक्कन काट लेंगे और इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। बड़े आराम से हम इसको चम्मच से बाहर निकाल लेंगे इसका सारा पल्प। अब हम इसके पहले बीजे हटा लेंगे ताकि ये बीजे इसके पल्प के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो हमने इसके बीजे हटा लिए हैं और इसके बाद हम चम्मच से इसके अंदर का जो गूदा है वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा मोटा छिलका हम इसके अंदर रखेंगे, पूरा गूदा हम नहीं निकालेंगे, जितने हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। कहीं से क्रैक भी नहीं होना चाहिए इसमें, इसको बाहर निकालते जाएंगे। जितना आसानी से हो सके आप इसका पल्प निकाल लें। ये इस तरीके से हमने ये इसको अंदर से खाली कर दिया है और ये पूरा हमारा गोल का गोल है, कहीं से भी टूटा नहीं है। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हमने जो ये पल्प निकाला है इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा लेंगे, जो कि हम इसके पीसेस करेंगे और बाकी का हम इसको पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्सर में डालकर हम पीस लेंगे। एक कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसके अंदर हम ये डाल देंगे पेस्ट हमारा, जो खरबूजे का पेस्ट हमने बना के रखा है। गैस हमारा स्लो है अभी बिल्कुल। अब इसमें हम दो चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे और साथ में मिक्स कर देंगे इसको। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दें ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। और इसी टाइम पे हम आधी कटोरी इसके अंदर डाल देंगे, आधी जो हमारी शक्कर है वो हम डाल देंगे इसमें और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और इसको थोड़ी देर पकने रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, बस हल्का सा गाढ़ा होने तक हमें इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा खरबूजे का जो जूस था वो थोड़ा थोड़ा हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम 5-7 मिनट और पकाएंगे। ये 5 मिनट और पकाने के बाद ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। बस हम ये इसको अब उतार लेंगे और इसको हम बर्तन में खाली कर देंगे। अब हम ये मैंगो को छील लेंगे और इसी तरीके से हम उसका भी जूस निकाल लेंगे। इस तरीके से हम मैंगो के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। थोड़े से टुकड़े तो हम अपने रख लेंगे बचाकर, बाकी का हम इसका जूस निकाल लेंगे। ये जो डिज़र्ट बना रहे हैं हम, ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है और इसमें जो मेलन और मैंगो का जो फ्लेवर आता है और जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही गजब का लगता है। आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो मैंगो और मेलन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ग्रेप्स के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मन चाहे फ्रूट के साथ कुछ भी बना सकते हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत शानदार चीज़ है ये। हम मैंगो का भी जूस बना लेंगे इसका। थोड़े से टुकड़े हम बचा लेंगे इसके लिए। इसमें हम दूध डाल देंगे। आप चाहें तो इसको पानी से भी बना सकते हैं, दूध से चाहें तो दूध से भी बना सकते हैं। दूध डालने से कलर लाइट हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा कलर डाल दिया है ताकि वो मैंगो जैसा कलर आ जाए। तो ये मैंगो शेक भी बनके हमारा तैयार है। अब इसको भी हम पैन में निकाल लेंगे।
और इसके अंदर हम ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छी तरीके से। अभी गैस हमारा बंद है, पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ठंडे में, फिर हम गैस चालू करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस को चालू कर देंगे। जल्दी जल्दी इसमें हाथ चलाते जाएं ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। बहुत तेजी से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम ये बची हुई शक्कर डाल देंगे और इसको भी पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा ये मैंगो शेक भी पक के तैयार है, ये भी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये दोनों जूस निकाल कर हमने इनको पका लिया है कॉर्नफ्लोर में, और अब हम इसको भी थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये हमारा मेलन वाला जो जूस है ये अच्छे तरीके से पक चुका है और ये अच्छा ठंडा भी हो गया है। थोड़ी सी देर हम इसको भी ठंडा कर लेंगे। अब हम इसके अंदर लेयर लगाएंगे। तो जो हमने ये केक लिए हैं इसके हम छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे और चारों तरफ इसके अंदर फैला देंगे हम इसको। इसके बाद डालेंगे हम ये मैंगो का शेक जो हमने बना के रखा है। अच्छे तरीके से भर देंगे हम इसमें, चारों तरफ फैलाएंगे इसको ताकि ये पूरी तरीके से फैल जाए। अब मैंगो डाला है हमने तो इसमें डालेंगे हम खरबूज। हमें खरबूज डाल दिया है ताकि हम जब मैंगो खाएं तो हमें खरबूज का टेस्ट आए, और जब हम खरबूज खाएं तो हमें मैंगो का टेस्ट आए। अब इसमें हम थोड़ा सा केक और डाल देंगे, इसको चूरा चूरा करके डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से इस पर सेट हो जाए। अब इसके बाद डाल देंगे हम जो ये हमने खरबूज की स्मूदी बनाई है ये डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से हिला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सब तरफ बैठ जाए। अब इसमें डाल देंगे हम मैंगो, खरबूज में हम डालेंगे मैंगो ताकि अब हम खरबूज खाएंगे तो मैंगो का फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम फिर केक की लेयर लगा देंगे। तो अब ये एक लेयर हम इस केक की लगा देंगे। इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे चम्मच से ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अब हम इसके अंदर फिर से मैंगो डालेंगे। थोड़े से टुकड़े खरबूजे के तो हम डालेंगे इसके अंदर खरबूजा। और बाकी बचे हुए टुकड़े मैंगो के ऊपर से हम फिर से इसको कवर कर देंगे। अब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे कटे हुए बादाम। ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे खरबूज को फ्रीजर से हमने बाहर निकाल लिया है और ये हमारा बेहतरीन सा डेजर्ट तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा टाइट बनाना है आपको आइसक्रीम टाइप का तो आप इसको 3 से 4 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो मुझे इसी तरीके का जूसी और बेहतरीन सा ये डिज़र्ट चाहिए था तो इसलिए मैंने इतनी ही देर रखा इसको। तो ये हमारा खरबूजे वाला डिज़र्ट बेहद जूसी एंड बेहद क्रीमी तैयार हो गया है।
बहुत ही शानदार बना है। एक एक लेयर इसकी पूरी साफ क्लियर दिख रही है हमें। और अब हम इसकी कलियाँ टाइप काट लेंगे तो और भी अच्छी तरीके से हमें सर्व करने में आसानी हो जाएगी इसको। तो बहुत ही मज़ेदार बना है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत शानदार चीज़ है ये और बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे। ये बेहद जूसी एंड क्रीमी बना है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन गई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।